Students welcome to my class today's chapter is chapter number 2 living organisms and today we'll discuss about the process of respiration process of respiration एयर इज टेकन इन आर इन्ेल्ड बाय द नोज नाक के जरिए हम हवा को अंदर ले जाते हैं यानि इनहेल करते हैं इट पासिस थ्रू द विंड पाइप ब्रॉनकाई एंड ब्रॉनक्योल्स एंड इज डिलीवर टू द एयर सेक्स आर एलवेलाई जो हवा नाक के जरिए अंदर गई है वो ट्रैकिया यानि विंड पाइप से गुजरती है और फिर ब्रॉनकाई और ब्रॉनक्योल से गुजर कर एल्वेलाई तक पहुँचती है द वज ऑफ़ द एलविलाई आर थिन एंड मोइस्ट एंड आर सराउंडड बाय ब्लड कैपिलरीज़ सो दैट गैशे एक्सचेंज कैन टेक प्लेस ईजीली एलविलाई की दीवारें पतली और गीली होती हैं जिनके गिरद ब्लड वेसल्स मौजूद हैं ताकि गैसों का तबादला आसानी से हो सके तो स्ट्रेंड्स हमने बात की कि हमारी बॉडी में हवा किस जरिए दाखिल होती है नाक के जरिए यानी हम नाक के जरिए हवा को इन्हील करते हैं जब हम नाक के जरिए हवा को इन्हेल करते हैं तो फिर वो विंड पाइप यानी ट्रैकिया से गुज़रती है आगे ब्रोंकाई मौजूद हैं ब्रोंकाई से गुजरेगी फिर ब्रोंकियोल से गुजरेगी और इस तरह हवाई थैलियों यानी कि एलविलाई को डिलीवर कर दी जाएगी एलविलाई छोटी छोटी हवाई थैलियाँ हैं जिनकी दीवारें पतली और गीली हैं और इनके गिरद ब्लड वेसल्स मौजूद हैं ब्लड वेसल्स कौन सी हैं ब्लड कैपरीज जिनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं ताकि गैसों का तबादला आसानी से हो सके ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब बाय द रेड ब्लड सेल्स इन कैपिलरीज एंड टेकन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी से ऑक्सीजन कैपिलरीज में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में जजब हो जाती है जो इसे दूसरे जिस्मानी सेल्स की तरफ ले जाते हैं द फूड प्रेजेंट इन द सेल्स इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड सेल्स में मौजूद खुराक की ऑक्सीडेशन होती है और इससे एनर्जी पैदा होती है दिस एनर्जी इज़ यूज बाय द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इस एनर्जी को जिसमिफ़ सरगर्मियों में इस्तेमाल कर लेता है एज रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स सेल्स में खुराक की ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ड बाई द ब्लड एंड इज कैरीड टू दंग्स फ्राम वेयर इट इज ब्रीथ आउट आर एक्सल्ड ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में जजब हो जाती है जो इसे फेफड़ों की तरफ ले जाता है और वहां से फिर इसे सांस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि एल्विओलाई से ऑक्सीजन कैपिलरीज में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में जजब हो जाती है जो इसे दूसरे जिस्मानी सेल्स की तरफ ले जाते हैं सेल्स में मौजूद खुराक की ऑक्सीडेशन होती है और उससे एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी को जिसमि अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर लेता है सेल्स में खुराक के ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ब्लड में जजब हो जाती है जो इसे फेफड़ों की तरफ ले जाता है और वहाँ से फिर इसे सांस के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है यानी एक्सहेल कर दिया जाता है तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन यानी कि रेस्परेशन का प्रोसेस क्या है तरीकेकार क्या है मैकेनिज्म क्या है स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन रेस्परेशन के प्रोसेस की वजाहत करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है इसमें आप बताएंगे कि एयर इज़ टेकन इन और इनहेल्ड बाय द नोस It passes through the windpipe, bronchi, and bronchioles, and is delivered to the air sacs or alveoli. The walls of the alveoli are thin and moist, and are surrounded by blood capillaries so that gaseous exchange can take place easily. Oxygen is absorbed by the red blood cells in the capillaries and is taken to the cells of the body. The food present in the cells is oxidized, and energy is produced. दिस एनर्जी इज यूज बाय द बॉडी फॉरफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज एजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सार्ड इन टू द ब्लड एंड इज कैरिड टू द लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज ब्रीथ आउट स्टूडेंट्स आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है आज हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन को तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू स्टूडेंट्स